दोस्तों पंजाब पटवारी की जॉब वैकेंसी आ जनवरी विच अनाउंसमेंट हो चुकी है। उस तो पहले आपां नूं जानना जरूरी है कि पंजाब पटवारी लगन वास्ते आखिर एलिजिबिलिटी की हुंदी है, इसका सिलेबस की हुंदा है, इसका एग्जाम पैटर्न है वो किस टाइप का हुंदा है, सिलेक्शन प्रोसैस की रहेगा। जे तुसीं इसका तैयारी करनी चाहुंदे हो तो बेस्ट बुक कि है पंजाब पटवारी लई प्रिपरेशन करन वास्ते। अज की वीडियो में आप इन्होंने सारे टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, थोड़े सपोर्ट की बहुत जरूरत है। उस तो किसी भी पोस्ट को फिल करने तो पहले आप पता होना चाहिए है कि मैं इस पोस्ट को भरने लिए एलिजिबल हाँ या नहीं। तो इस पटवारी की पोस्ट वास्ते एलिजिबिलिटी की गल करिए, जे थोड़ी एज लिमिट 21 तो 37 साल विचकार है, एस सी एस टी कैंडीडेट ने उन्होंने वास्ते वैसे 5 साल की छोट है। इस जे तुम एज लिमिट इस दायरे में आने हो तो इस पोस्ट में अपलाई कर सकते हो। ग्रैजुएशन पास होना चाहिए है कैंडीडेट, वह चाहे बी ए की हो बी कॉम बी एस सी या कुछ भी किसी भी जी स्ट्रीम ग्रैजुएशन पास हो बस तो अपलाई कर सकते हो। थोड़े को मिनीम 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए है। 10वीं बिच पंजाबी सब्जैक्ट ना पास की होनी चाहिए है। इस सिलेबस की गल करिए दोस्तों, थोड़े सामने इन्हों का ऑफिशियल PDF फाइल विचों कट किया हुआ जिहड़ा ये सिलेबस की पूरी जानकारी है। तो जनरल नॉलेज के जिहड़े 15 क्वेश्चन होंगे ने, तो मैंटल एबिलिटी के जिहड़े 20 क्वेश्चन होंगे ने, तो अर्थमैटिक यानी मैथामैटिक के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन टोटल होंगे ने, तो इंग्लिश लैंगुएज के 5, पंजाबी लैंगुएज के भी 5 क्वेश्चन होंगे ने, तो कंप्यूटर इनफॉर्मेशन के 15 क्वेश्चन होंगे, तो एग्रीकल्चर रिलेटड जिहड़े इसके 10 क्वेश्चन होंगे ने, पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के भी 5 क्वेश्चन इस विच अपने तो पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे ने दोस्तों। तो यह जिहड़ा कि एग्जाम का पैटर्न होंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन्होंने अपना सही तो क्लिक करके सेव करना होंगे। सारा सिलेबस की जानकारी मिलने तो बाद कि पेपर में किस किस टॉपिक क्वेश्चन आते हैं, तो इस तो बाद मन में ख्याल आ रहा होगा कि बुक किड़ी तो असं रीड करिए, मतलब कि सारा यह सिलेबस कवर करिए। यह सारी बुक्स के नाम ने, जो थोड़ा मैं दस दिना तो इसमें नोट कर लो एक बार। जो तुम GKL तो करंट अफेयर वास्ते तैयारी करनी है तो इंडिया 2020 बाय मैकग्रा हिल द्वारा लिखी हुई एक काफ़ी चंगी जी बुक है, वह तुम खरीद लो तो उसको रीड करो। इस दे नाल एक जी कि मनोरमा ईयर बुक आती है, एक उसनों भी जरूर रीड कर लियो। पंजाब GK एंड हिस्ट्री लिए साडा पंजाब नाम की एक पुस्तक आती है, तो तुम वो 2020 का लेटेस्ट एडिशन परचेज करो। जे चंगी तैयारी करना चाहते हो इंग्लिश सब्जैक्ट को कवर करने लिए वर्ड पावर मेड ईजी बाय नॉर्मन ल्यूज द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है, वह जरूर परचेज करके उसनों रीड करो। इस तो बाद मैथामैटिक की जिम्मे कि सबन पता है RS अग्रवाल सब तो बेस्ट बुक है, तो रीजनिंग वास्ते भी तुम्हें RS अग्रवाल ही रीड करनी है पटवारी की पोस्ट लई। तो एग्रीकल्चर वास्ते एक कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर बाय नीमराज सुंदा द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक है। तो कंप्यूटर वास्ते आप करना कि कंप्यूटर नॉलेज की बाय दिशा पब्लिशन द्वारा एक लिखी हुई बुक है, उसनों जरूर परचेज कर लो। ओके दोस्तों, जो कोई पंजाब पटवारी लिए होर कोई डाउट थोड़े मन में है, जो कोई दिक्कत आती है इसके सिलेबस रिलेटड या इसके टॉपिक्स रिलेटड, तो वीडियो में कमेंट कर दो अपना व्हाट्सएप नंबर। मैं पूरी इनफॉर्मेशन इन बुक्स की जी PDF फाइल भी डाउनलोड करके तुम्हें व्हाट्सएप नंबर उपर प्रोवाइड करा देंगा। बट उस तो पहले साडा चैनल सबसक्राइब करना, क्योंकि मैं सिर्फ अपने सबसक्राइबर वास्ते ही जो करता, सिर्फ उन्होंने वास्ते ही करता हूँ। तो जो तुम भी इन्हों बुक्स का पूरा PDF फाइल लेना चाहते हो उसका आसानी नाल प्रिंट कढ़वा के, जो तुम्हें बुक्स नहीं मिल रही कितों भी, तो इसकी PDF फाइल जी डाउनलोड करके मैं तुम्हें सेंड कर देंगा बुक्स के, तो उसके प्रिंट कढ़वा के आसानी नाल रीड करना। चंगी तरह एग्जाम की प्रिपरेशन करके जिमें ही जनवरी में पटवारी की पोस्टा की अनाउंसमेंट होंगी है, तो इसमें अपलाई करने की विधि भी थोड़ा मैं समझा देंगे अपनी नैक्सट वीडियो में। बट तैयारी है जो आप थोड़ी पहला लाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अजकल कंपीटिशन का जमाना बहुत है, तो जो आप 4-5 महीने पहला तैयारी लावेंगे तो फिर ही आप इस एग्जाम को क्रैक कर पावे। क्योंकि दोस्तों जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लो, थोड़े सपोर्ट की बहुत जरूरत है।